स्वागत है आपका, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी में कई नामों पर चर्चा चल रही है। 16 ऐसे नाम है जिन पर बीजेपी कोर कमेटी में चर्चा हुई है, सूत्रीय बता रहे हैं। जिसमें नाम जो सामने आ रहा है वो संजय सेठ, जय प्रकाश निषाद की दावेदारी मजबूत दिख रही है, सूत्रीय बताते हैं। शिव प्रताप शुक्ला, सुरेंद्र नागर के नाम पर भी चर्चा चल रही है। जफर इस्लाम, नरेश अग्रवाल, प्रियंका रावत पर भी चर्चा चल रही है, सूत्रीय बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 16 ऐसे नाम है जिन पर बीजेपी कोर कमेटी में चर्चा हुई है, सूत्रीय बता रहे हैं। जिसमें नाम जो सामने आ रहा है वो संजय सेठ है, जयप्रकाश निषाद है, इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला है, सुरेंद्र नागर के नाम की भी चर्चा चल रही है, इसके अलावा जफर इस्लाम है, नरेश अग्रवाल है और साथ साथ प्रियंका रावत पर भी चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 ऐसे नाम है जिन पर चर्चा चल रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बता दें कि देखिए कुछ ऐसे नाम, करीब करीब 16 ऐसे नाम जिन पर बीजेपी कोर कमेटी में चर्चा हुई है, सूत्रीय बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी में भी कई नामों पर चर्चा चल रही है। बड़ी खबर ये है कि 16 ऐसे नाम है और ये देखिए ये हम आपको इस वक्त समझा भी रहे हैं कि कौन कौन से वो नाम है जो इस वक्त आगे चल रहे हैं, जिसमें संजय सेठ है जो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ और नाम भी है। जयप्रकाश निषाद भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, शिव प्रताप शुक्ला भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, सुरेंद्र तोमर है, इसके अलावा जफर इस्लाम है, नरेश अग्रवाल है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस वक्त दावेदारी जिनकी मजबूत दिख रही है। ये करीब करीब 16 ऐसे नाम है बीजेपी कोर कमेटी में जिन पर चर्चा हुई है, सूत्रीय बता रहे हैं। ये देखिए लगातार हम आपको समझा रहे हैं कि कौन कौन से वो नाम है, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनकी दावेदारी काफी मजबूत दिख रही है। ये बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये साथ ही नाम भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पवन सिंगर हमारे सहयोगी से जानकारी के लिए लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, भारी है अब राज्यसभा चुनाव की और अब बीजेपी में मंथन चल रहा है, इसको लेकर करीब करीब 16 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जिनकी चर्चा है इस वक्त, पवन। अब बिल्कुल आपने सही कहा, कल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें 16 नामों पर चर्चा हुई है। आज फिर एक कोर ग्रुप की बैठक 5 कालिदास से बताया जा रहा है, टाइम फिक्स नहीं है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, लिहाजा बताया जा रहा है कि देर शाम 5 कालिदास से एक बार फिर बैठक होगी और उसमें कुछ नामों को रिपीट करने के प्लान में है भारतीय जनता पार्टी। और कुल तकरीबन 7-8 नाम जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जिसमें संजय सेठ, जयप्रकाश निषाद, शिव प्रताप शुक्ला, सुरेंद्र नागर, जफर इस्लाम, नरेश अग्रवाल, प्रियंका रावत, ये प्रमुख नाम आ रहे हैं, प्रमुख चेहरे आ रहे हैं जो राज्यसभा भेजे जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आसानी के साथ राज्यसभा की भेज सकती है। 8वां नाम अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाती है, प्रत्याशी को घोषित करती है, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी से उसको संघर्ष करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी 3 सीट निकाल सकती है, 4थे सीट के को लेकर के खबर आ रही है कि कपिल सिब्बल को नाम देने जा रही है, लिहाजा वोटिंग होना अब कंफर्म माना जा रहा है कि 10 तारीख को इसका विधायक जो है वो अपने राज्यसभा के लिए चुनाव करेंगे, वोट डालेंगे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी आज एक तरीके से माना जा रहा है कि जो 5 कालिदास पे कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है उसमें ये फाइनल कर लेगी कि उसके कौन दावेदार होंगे, 8 चेहरे वो कौन कौन से होंगे जिसपे भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजना चाहती है, चुनाव लड़ने के लिए उनका नाम का घोषणा करेगी। पवन, ये भी थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि इस बार समीकरण क्या बनते दिख रहे हैं, जिन 8 सीटों की आप बात कर रहे हैं, जिन चेहरों की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में अगर दर्शकों को आप बताएं समीकरण के बारे में। देखिए अगर समीकरण की बात करेंगी तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, हाँ। वो हर क्षेत्र, हर जाति विशेष को एक तरीके से छूना चाहती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के नाम फाइनल करने का के फार्मूले पे काम कर रही है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम MY फैक्टर पे जो काम करती है उस पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। जिन नामों का मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें वो नाम बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे जफर इस्लाम की बात करें, शिव प्रताप शुक्ला की बात करें, गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं, संजय सेठ की बात करें, व्यवसायी है बड़े,
जयप्रकाश निषाद है, निषाद समाज से आते हैं, सुरेंद्र नागर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लिहाजा हर क्षेत्र को छूने का प्रयास है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि उन जा रही है उनको लेकर के, क्योंकि वोट जो डिवाइड होता है, क्योंकि एक सेट पैटर्न है राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें, अगर 11 सीटें हैं तो अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगी कि कैसे वोट पड़ेगा, तो 11+1 × आप करेंगे प्रत्याशी, जितने प्रत्याशी हैं, यानी 11+1 डिवाइडेड बाई 403 जो विधायक है उत्तर प्रदेश के, उसमें जो परसेंटेज आएगा वो तकरीबन 35 के करीब आएगा कि 35 के करीब विधायक जो हैं एक प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे। उस हिसाब से 7 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर जीत सकती है, लेकिन एक सीट से लड़ाई लंबी होगी। ठीक है पवन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।